इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि इनपुट सेंसर किसे कहते हैं। इनपुट सेंसर दरअसल एक डिवाइस होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करती है रियल वर्ल्ड प्रॉपर्टी को। रियल वर्ल्ड प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, कन्वर्ट करती है इसको एनालॉग डेटा में। रियल वर्ल्ड प्रॉपर्टी कौन सी हो सकती है? मिसाल के तौर पर टेम्परेचर, साउंड, बॉडी मूवमेंट, ये तमाम चीज़ें हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे रियल वर्ल्ड में मौजूद होती हैं। अब अगर हम बात करें कि सेंसर की जो डेली लाइफ की एग्जांपल है, उसमें सबसे अहम एग्जांपल हमारे ह्यूमन सेंसर्स हैं। नेचुरली जो ह्यूमन सेंसर्स हमारे पास मौजूद हैं उसमें हमारी आँख, नाक, कान और सेंस करने की जो हमारी एबिलिटी है, ये दरअसल हमारे नेचुरल सेंसर्स हैं जिनकी मदद से हम अपने इन्वायरमेंट से जो है वो रियल वर्ल्ड प्रॉपर्टी को सेंस कर सकते हैं। ऐसे कि हम अपनी आँखों से जो है वो लाइट को सेंस करते हैं और जो अपने एयर जो है एयर इसका इस्तेमाल करते हुए हम साउंड को सेंस करते हैं और इस तरह से हम जो है वो अपनी नोज का इस्तेमाल करते हुए हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद जो स्मेल होती है उसको हम सेंस कर सकते हैं। तो ये कुछ ह्यूमन सेंसर्स की एग्जांपल हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर्स में भी कुछ ऐसी डिवाइसेस क्रिएट करते हैं, कुछ ऐसी डिवाइसेस बनाते हैं जो कि इन्वायरमेंट से इन प्रॉपर्टीज को, इन फिजिकल क्वांटिटीज को सेंस कर सके। इन डिवाइसेस को इनपुट सेंसर कहते हैं। इनपुट सेंसर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को, इन रियल वर्ल्ड प्रॉपर्टीज को सेंस करते हैं और सेंस करने के बाद अगला काम क्या करते हैं कि वो इसको कन्वर्ट करते हैं एनालॉग डेटा में, एनालॉग सिग्नल में इसको कन्वर्ट करते हैं और फिर ये एनालॉग सिग्नल जो है ये कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ से एनालॉग सिग्नल जो है वो भेजा जाता है एक डिवाइस को जिसको हम ADC कहते हैं, यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या करता है कि एनालॉग सिग्नल को रिसीव करता है, इसको डिजिटल में कन्वर्ट करता है, यानी कि बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि हमारा कंप्यूटर उसको फर्दर प्रोसेस कर सके। तो सेंसर जो है उसकी उसका कोई स्ट्रक्चर जो है वो कोई एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है उस डिवाइस का, बल्कि हर सेंसर जो है उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। इस तरह अगर हम ह्यूमन सेंसर की बात करें तो आई डिफरेंट होती है नोज से, नोज डिफरेंट होती है एयर से, इसी तरह डिफरेंट किस्म के सेंसर्स होते हैं जो हम कंप्यूटर्स में इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम देखेंगे एक रियल वर्ल्ड प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे और फिर हम देखेंगे कि उसको सेंस करने के लिए हमारे पास कौन सी सेंसर डिवाइस मौजूद है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर से। अगर हमने अपने एनवायरनमेंट में टेम्परेचर सेंस करना हो या उसको मेजर करना हो तो उसके लिए हमारे पास एक डिवाइस है थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या करती है कि हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद टेम्परेचर को सेंस करती है और फिर उसको कन्वर्ट करती है इनटू एनालॉग फॉर्म में और फिर हमारे पास एक मीटर होता है जिसमें टेम्परेचर की रीडिंग आ रही होती है कि हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इतना है। अब अगर नेक्स्ट रियल वर्ल्ड प्रॉपर्टी की बात करें लाइट की, तो लाइट जो है वो हमारे पास एक रियल वर्ल्ड प्रॉपर्टी है। इसके लिए हमारे पास एक सेंसर डिवाइस मौजूद है जिसको हम सोलर सेल कहते हैं। सोलर सेल क्या करता है कि लाइट को सेंस करता है और फिर उसको कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है सोलर सेल एक इनपुट सेंसर की। अब अगर हम बात करें इसकी प्रेशर की, प्रेशर हमारे पास एक रियल वर्ल्ड प्रॉपर्टी है। इसको सेंस करने के लिए इसके लिए हमारे पास एक सेंसर की जो हमारे पास एग्जांपल है उसे हम कहते हैं टच स्क्रीन। डिफरेंट मोबाइल फोन्स में, लैपटॉप्स में टच स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि हमारे फिंगर्स से हम प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, प्रेशर लगाते हैं स्क्रीन पे। उस स्क्रीन के ऊपर सेंसर्स लगे होते हैं और वो क्या करते हैं कि उसको कन्वर्ट करते हैं फिर आगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, फिर आगे चल के कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास साउंड की एग्जांपल है। साउंड में हमारे पास एक माइक्रोफोन, एक डिवाइस है जो क्या करती है कि साउंड को सेंस करती है और फिर उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करती है। एक आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं इसमें कि एक जैसे कि किसी भी शख्स की बॉडी मूवमेंट को मेजर करने के लिए एक सेंसर मौजूद होता है जो कि इस्तेमाल होता है बर्गलर अलार्म में, यानी कि चोर को पकड़ने के लिए एक अलार्म यूज होता है घरों में जो क्या करता है कि जब भी कोई शख्स गेट से एंटर होगा तो उसकी बॉडी मूवमेंट
को ये सेंसर जो है वो सेंस कर लेगा और जिससे एक अलार्म बजेगा और फिर हम उस शख्स को आसानी से पकड़ सकेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल थी हमारे पास इनपुट सेंसर्स की जो कि हम इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि इनपुट सेंसर्स किसे कहा जाता है।